गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी बच्चा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर नंबर सेकेंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन चैप्टर नंबर वन यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट मैटर। व्हाट मैटर इज? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, यानी कोई भी थिंग जो स्पेस जगह घेरती है और उसका भार यानी मास है, इस कॉल्ड मैटर। आपकी यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी की सारी आपके मैटर से बनी है। वाई सो? बिकॉज दे ऑल हैव स्पेस एंड हैज मास, है ना। अब कैसे? पेन, पेंसिल, इवन योर फोन और योर बेड, टेबल, टीवी, एवरी थिंग हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस, इवन योर क्लोथ्स ऑल्सो। नाउ ये मैटर कितना प्योर है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? कैसे पता लगाते हैं हम इन सब चीज़ों का? सिंपल सीधी सी बात, देर आर टू टेस्ट। वन, जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इन योर होम, हमारे घर में ही, एंड सेकेंड विच इज़ परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, है ना, जो क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं। अब ये जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं तो बहुत कॉमन होते हैं कि सॉल्ट का कर लिया। सॉल्ट का कैसे कर लिया बेटा? कि एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें एक स्पून हमने सॉल्ट मिला दिया, जब वो डिसॉल्व हो जाए तो कैसे चेक करें कि वो कितना प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है? तो वो जो ग्लास में हमने सॉल्ट मिलाया, वो वाटर जो है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा और अच्छे से सॉल्ट सारा डिसॉल्व हो जाएगा। सो ऐसे पता चलता है कि वो सॉल्ट हमारा कैसा है, जल्दी बताइए। यस, प्योर है। ओके, अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाउ हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैकेट ऑफ द कंज्यूमेबल्स आइटम? देखा है सबने? यस, सब पर लिखा होता है मोस्टली। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, यानी कोई केमिकल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बट फॉर अ साइंटिस्ट, अगर मैं साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोलूँ, so all these things are actually mixture of different substances and hence it is not pure. कैसे? कि भाई आपकी एयर जिसमें आप सांस ले रहे हो, अगर आप एक साइंटिस्ट से पूछो that is our air is pure, he will say no. Why so? Because air is a mixture of gases, it doesn't contain any one type of element. बहुत सारे इसके अंदर स्मॉग है, फॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस हैं। सो फॉर एग्जांपल मिल्क एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। नाउ व्हेन अ साइंटिस्ट से सेकेंड यस व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर सॉरी सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, यानी उन सबका केमिकल नेचर एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के। द प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप बात करते हैं कि वो कितना प्योर है, तो दैट मीन्स उसमें क्या होना चाहिए? यस, जो उसका पार्टिकल का टाइप है वो सिंगल पार्टिकल टाइप यानी सेम होना चाहिए। एज वी लुक अराउंड वी सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारे के सारे मिक्सचर्स हैं। कैसे? देखते सी, आपका जो है सी वाटर इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? योर वाटर एंड सॉल्ट एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। मिनरल इज मिक्सचर, सॉइल इज मिक्सचर, इट कंटेन्स योर ह्यूमस, योर टाइप ऑफ पार्टिकल्स की लोमी है, क्लेई है या फिर सैंडी है, है ना। लीव्स के कुछ लीव्स के जो डेड लीव्स होती हैं यू कैन से वो,
नाउ व्हाट इज अ मिक्सचर? अभी मिक्सचर मिक्सचर हम जो कर रहे हैं वो है क्या बेसिकली? ये है आपका मिक्सचर. आर कॉन्स्टिट्यूएटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. कैसे? कि भाई अगर आप बात करते हो स्मोक की, तो स्मोक क्या है? फॉग और स्मोक का मिक्सचर. ये अपने आप में ही दो प्योर मैटर है, बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर ये इम्प्योर बन जाते हैं एंड दे फॉर्म अ मिक्सचर. गेट इट? नाउ अनदर एग्जांपल, योर डर्ट एंड वाटर. डर्ट और वाटर अलग अलग कंपाउंड्स, मिक्सचर. सैंड और वाटर ले लीजिए आप, वो भी मिक्सचर है. तुम्हारा सॉल्ट और वाटर ले लो, वो भी मिक्सचर है. शुगर एंड वाटर ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना. योर एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर. सो वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ वॉट. कैसे अलग कर सकते हैं हम इसको, बताइए? यस, इवेपोरेशन के थ्रू. सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यानी सोडियम और क्लोराइड में हम उसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहता है. ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन करते हैं तो वो शुगर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, या अगर मैं उसके साथ किसी चीज़ में डिसोल्यूशन करूँ, डिसॉल्व करूँ, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस. वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज. सेम करेक्टर होना चाहिए. ओके, अब सॉफ्ट ड्रिंक कैसे नहीं है बेटा? क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है भाई? तुम्हारा सोडा होता है और कलर डाला होता है, एसिड्स डाले होते हैं अलग अलग टाइप के. सॉइल कैसे नहीं है कि उसमें के अंदर ह्यूमस हो गया, लीव्स हो गई, डेड एनिमल्स के रेजिड्यू हो गए, सैंड के कुछ पार्टिकल्स हो गए, ये सब होता है. ठीक है, नाउ देयरफोर्स वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस. अपने आप में ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली प्योर हैं, बट जब ये एक चीज़ को फॉर्म करती हैं तो ये प्योर नहीं रहती. ठीक है, ये एक मिक्सचर बना देती है. सो मिक्सचर इज बेसिकली व्हाट? यस, विच कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस. गेट इट व्हाट अ मिक्सचर इज? ओके ओके, सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मिक्सचर. यानी हमने मिक्सचर तो पढ़ लिया क्या होता है, अब इनको किन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है ये देखते हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट, कि उसके अंदर क्या है दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर, इनको डिवाइड किया गया है. और वो डिवीजन हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. सी एक्टिविटी 2.1. सो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी. सो हम डिवाइड कर देते हैं. अब ग्रुप ए जो है टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर और वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. डाल दिया ग्रुप ए ने. ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया इसके अंदर, बट द डिफरेंस इज ग्रुप ए हैज टेकन वन स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड ग्रुप बी 2 spatula फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप सी एंड डी? ग्रुप सी एंड डी कैन टेक, वेट अ सेकेंड, सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना भी वो लोग ले सकते हैं, विद पोटाशियम पर मैग्नेट और यू कैन से कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं एंड मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर. और इन दोनों को कितना कितना भी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं. नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. कलर फॉर ए एंड बी एंड टेक्सचर फॉर सी एंड डी. नाउ मूविंग फर्दर, ग्रुप ए एंड बी हैज़ ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट.
दैट मीन्स वाटर कितना लिया उन्होंने, एंड द अदर थिंग इज कॉपर सल्फेट। ए ने लिया कितना 50 ml, बी ने भी लिया 50 ml। ए ने लिया कितना, वन स्पैचुला दैट मीन्स वन स्पून यू कैन से, एंड बी टू स्पून्स। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्या कोई चेंज आया इसके अंदर? नो, एक यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर। नाउ ये जो है मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। बेसिकली अनदर नेम ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज सोल्यूशन। ओके, सो वो सोल्यूशंस और मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वो क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप। अब फर्स्ट में तो हमने क्या किया था, सी दिस फर्स्ट बीकर ए ग्रुप का एंड द सेकेंड बीकर ऑफ बी ग्रुप। अब इसमें हमने वन स्पून डाला, इसमें हमने टू स्पून डाला, किसका कलर डाकर होगा बताइए? यस द सेकेंड वन, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इज मोर देन द ग्रुप ए। ओके, सो इसीलिए ये ज़्यादा इंटेंस होगा कलर में ग्रुप बी का। नाउ थ्रू बोथ ऑफ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बट उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, बट हाँ ये फिर भी यूनिफॉर्म होंगे। दैट मीन्स डिफर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट एक यूनिफॉर्मिटी के साथ। समझ आ गया? ओके, नाउ ग्रुप सी एंड डी has obtained a mixture which contain physically distinct part and have non-uniform composition, because we don't know कि उन्होंने कितना डाला, उन्होंने अंदाजे से डाला। वो किसको ज़्यादा डाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या कॉमन सॉल्ट को ज़्यादा डाल सकते हैं, या उसको थोड़ा कम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट को। सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनकी बिल्कुल भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, दैट मीन्स दे हैव नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मिक्सचर इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस। थोड़ा और डिटेल में करते हैं इसको। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? बेसिकली होमो इज सेम कॉम्पोजिशन एंड हेट्रो इज विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन। गेट इट? द सेकेंड डिफरेंस इज कि होमोजीनियस में प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस अपने आप में ही क्या होते हैं, प्योर होते हैं, जबकि हेट्रो में इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो प्योर हो, इट्स नॉट कंपल्सरी बेसिकली। सेकेंड थिंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप लोग को अच्छे से पता है, अभी मैंने समझाया। बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज इट मीन्स डिफरेंट, सो इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से कॉम्पोजिशन। द थर्ड डिफरेंस, होमोजीनियस का अनदर नेम क्या है? सल्यूशन। एज इन हेट्रोजीनियस का कोई अनदर नेम नहीं दे रखा हमें, बट या होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज सल्यूशन। मूविंग टू द फोर्थ वन, कांट जज बाय सीइंग, यानी हम सिर्फ देखने से पता नहीं लगा सकते कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट हाँ हेट्रोजीनियस को हम देखने से पता लगा सकते हैं। कैसे भाई? कि अगर मैं कहती हूँ मैंने सॉल्ट और क्या ले लिया उसके अंदर, सपोज़ मैंने ले लिया उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, अब उन दोनों का कॉम्पोजिशन मुझे देखते साथ पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं है। मैं कहती हूँ एक प्लेट में आपने क्या किया, ये प्लेट है, आपने इसके अंदर
5 बनानाज रख लिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड, नाउ वी हैव दिस प्लेट, इसके अंदर मैंने रख लिए 5 बनानाज, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बनानाज, 2 ग्रेप्स, 1 एंड 2 ग्रेप्स, रेड से हम ले लेते हैं एप्पल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एप्पल्स रख लिए, एंड ब्लैक, वाइट, पर्पल, पिंक, पिंक से चलो स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, और एक स्ट्रॉबेरी ले ली। अब क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बताइए जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। बट अगर मैं वही बात करती हूँ कि इसी प्लेट में मैंने क्या किया, 1, 2, 3 3 ग्रेप्स, 1, 2, 3 3 एप्पल्स, 1, 2, 3 3 ऑरेंजेस, देन इज इट यूनिफॉर्म नाउ? येस, इज दैट इज यूनिफॉर्म बेसिकली, सो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इवन यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पिज़्ज़ा, चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। पिज़्ज़ा का बेस रेडी किया सबसे पहले, गर्मा गर्म बेस हमारा, इसके ऊपर लगा दी सॉस, ढेर सारी सॉस अच्छे से लगा देते हैं, नहीं तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा, है ना। फिर ले लिए मैंने थोड़े से बेल पेपर्स, येलो कलर के मेरे पास थे बेल पेपर्स, इन बेल पेपर्स को मैंने ऐसे कर दिया। अब बेल पेपर्स को करने के बाद मैंने ले ली ग्रीन चिलीज, छोटी छोटी ऐसे ग्रीन चिलीज डाल दी, नाउ ब्रिंजल, ब्रिंजल ले लिए मैंने, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रिंजल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर रेड से हम लोग ले लेते हैं टमाटोज, टमाटोज तो इसमें अच्छे से नज़र नहीं आएंगे, थोड़े डार्क कर देते हैं, ऑलरेडी रेड रेड सॉस है हमारे पास नीचे। ओके, हेयर वी हैव अनदर टमाटो, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, ओके हो गया पिज़्ज़ा रेडी हमारा। ऊपर से हम थोड़ी वाइट वाइट चीज़ डाल देते हैं, ओके। अब एक पीस मैंने दे दिया, सबसे पहले तो इसके चलो पार्टीशन कर लेते हैं, 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। एक पीस हमारे नवनीत का, एक पीस हमारे माधव का, एक पीस हमारे सत्तू का, और एक पीस हमारे कंचा का। अब इन चारों भाइयों में एक एक पीस बट गए। अब भाई कंचा सबसे छोटा जो है हमारा, उसने क्या बोला, अरे तुमने मेरे साथ तो बड़ी चीटिंग की। सब कहते क्या चीटिंग की, कि भाई तुमने मेरे को एक ही ब्रिंजल का टुकड़ा दिया और 2 चिलीज दी सिर्फ, और एक ही टमाटो दिया और 2 बेल पेपर दिए। बट माधव के पास तो 3 ब्रिंजल हैं, नवनीत के पास 2 हैं और सत्तू के पास भी 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गई उनमें कहा सुनी। अब क्या किया जाए भैया बताइए, इसके अंदर तो सब अलग अलग है, किसी के पास ज़्यादा बेल पेपर्स हैं, किसी के पास ज़्यादा टमाटोज हैं, तो किसी के पास ज़्यादा ब्रिंजल या ग्रीन चिलीज हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई चारों भाइयों में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो हमेशा पिज़्ज़ा को होमोजीनियस बनाना, नहीं तो फिर लड़ाई हो सकती है कि तूने ज़्यादा खा लिया या तेरे में ये था,
तो बेसिकली हमारा पिज़्ज़ा जो होता है बच्चा वो हेट्रोजीनियस होता है। बेसिकली इस पिज़्ज़ा एग्जांपल से मैं आप लोग को ये समझा रही हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन क्या होती है। हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहता है, और हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो हमेशा किस में रहता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में। कोई डेफिनाइट कॉम्पोजिशन नहीं होती है उसकी कि इतना ही डालना है उस चीज़ को। समझ आ गई बात? ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं ज़रा। हम पहले बात करते हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में कौन कौन से और आते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, लिमका, माजा, ये सब भी क्या होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर से बनी हैं। ठीक है, आपकी एयर एक पर्टिकुलर डिफाइंड कॉम्पोजिशन होता है कि क्या भाई 21% ऑक्सीजन ही है, O2 ही है। ठीक है, बाकी 1% आपका 78 जैसे नाइट्रोजन है, और बाकी 1% आपका बाकी सारी गैसेस हैं। समझ आ गया? देन वी हैव सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन विद वाटर, बेटा डर्ट और आपका वाटर हो गया, ये सारा का सारा आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। पर वहीं अगर मैं बात करती हूँ हेट्रोजीनियस की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वो क्या हो गया आपका, सी वाटर, नहीं पता हमें क्या कॉम्पोजिशन है उसका। आपका पिज़्ज़ा जिसका एग्जांपल मैंने अभी अभी दिया, बट लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए अगली बार से पिज़्ज़ा होमोजीनियस बनाना। ठीक है, तो ये हो गए आपके किसकी एग्जांपल्स, इवन योर सैंड, सैंड ले लो और उसमें सॉल्ट मिक्स कर दो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल है। ओके ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, सी एक्टिविटी 2.2। नाउ लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द फोर ग्रुप्स ए बी सी एंड डी, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब ए ग्रुप को हमें क्या देना है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। बी ग्रुप को क्या करना है, क्या देना है हमको, वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। सी को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दे सकते हैं, एंड टू द डी ग्रुप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। नाउ ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर, जो जो हमने उसको दिया, और अच्छे से ग्लास रॉड से हमें उसको स्टिर करना है, हिलाना है, ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या अभी भी मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं, कॉपर सल्फेट अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड जो आपका ग्रुप सी के पास है, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, चॉक पाउडर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, और इंक भी। अप लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड, वेट अ सेकेंड, यस अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए रहने दो उसको। इज द मिक्सचर स्टेबल, और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम्स, यस ऑफ कोर्स होंगे। नाउ फिल्टर द मिक्सचर, अब उन मिक्सचर को फिल्टर कर लेते हैं। इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, बिल्कुल होगा, चॉक पाउडर का रेजिड्यू आ जाएगा और थोड़े बहुत क्रिस्टल्स का आ जाएगा। नाउ डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, जैसे फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, ग्रुप ए एंड बी हैव अ सॉल्यूशन, हाउ दे हैव अ सॉल्यूशन, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे आया उनके पास सॉल्यूशन, और ग्रुप सी के पास एक सस्पेंशन कैसे आया, एंड ग्रुप डी के पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे आया। अब आप सोचेंगे अरे ये सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमारे मिक्सचर के टाइप्स हैं जिनको भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली ये है क्या बच्चा, सी जो हमारा ए और बी है, ए और बी ग्रुप का, ग्रुप के पास जो है वो सॉल्यूशन है, दैट मींस वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एज इन सॉल्यूशन का अनदर नेम है होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, अभी हमने पढ़ा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, है ना। अब इन्होंने आगे क्या बोल रखा है हमको,
कि आपको क्या करना है। इसमें से एक टॉर्च को मीन्स एक बीम ऑफ लाइट यू कैन से को ट्रैवल कराना है बेसिकली। यानी वो जो बीकर में हमने सोल्यूशन लिया था, आप यहाँ पर अब क्या करो, एक टॉर्च रख दो और देखो कि ये बीम ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है या नहीं कर रही। सो इन द फर्स्ट यानी ए बीकर एंड द सेकेंड बीकर, एज इन वो होमोजीनियस सोल्यूशन है तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और अगर बच्चा जी स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच में काफ़ी गैप है। अब जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो वो पार्टिकल्स में से लाइट ऐसे निकल जाएगी और हम क्लियरली वो जो बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। समझ आ गया किसमें, ए एंड बी बीकर में। वाई सो, क्योंकि वो सोल्यूशन है, दैट मीन्स वो होमोजीनियस मिक्सचर है एज दे हैव स्मॉल पार्टिकल्स, गेट इट। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं सी एंड डी, विच इज सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सोल्यूशन, बोथ हैव लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं भाई इसके, तो फिर क्या करें। अब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, और जब आप यहाँ से टॉर्च की रेस को निकालते हो तो ये हमें विजिबल नहीं होते, यानी ये यहीं पर ही वापस जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, कि मेरा पॉइंट क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स यानी इन द होमोजीनियस सोल्यूशन आपको बीम ऑफ लाइट नज़र आएगी क्लियरली, बट इन सस्पेंशन और कोलाइडर आपको बीम ऑफ लाइट नज़र नहीं आएगी। ठीक है,